सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वाली बटन पट्टी ये रखी, इसके ऊपर ये रखी, इस तरीके से दोनों को मिलाते हुए यहाँ पे और यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए। ये मैंने दोनों इस पे सिलाई लगा ली, तो इस तरीके से ये प्लैकेट हमारी इसके साथ अटैच हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें से कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्लीव को रिमूव कर लेते हैं। बाय 10 इंचेस टू पीसेज हमने स्लीव में से कट कर लिए, तो टू पीसेज ये हो गए, वन पीस हमारा ये हो गया, टू पीसेज हमारे ये हो गए। इन्हीं से हमारा बैग बनेगा। तो ये हमारे बैग के लिए कटिंग हो गया। 2 मिनट इसे साइड पे रखते हैं। बाकी का जो ही हमारे पास ये बच गया, यहाँ पे बैक साइड पे, यहाँ पे जो हमारा ये साइड पे बच गया और ये बचे हैं टुकड़े, इनसे हम बाद में स्ट्रैप बनाएंगे। तो पहले हम बैग के पीसेस को रेडी कर लेते। तो ये हमारे कट हो गए थे सेम ऐसे ही पीसेस जैसे हमने शर्ट में से कट किए हैं। जो ये लाइनिंग वाली शर्ट है, जो हमने लाइनिंग का पीस लगाना है, सेम ऐसे ही एक एक पीसेस इसमें से भी, इन सब के एक एक पीसेस इसमें से भी कट कर लिए। ये जो मैंने सारे पीसेस कट किए थे मेन शर्ट में से, उसी में से मैंने देखिए सेम उसी तरीके से लाइनिंग के भी एक शर्ट के कट कर लिए। तो ये लाइनिंग हो गया, ये मेन फैब्रिक हो गया, ये जो 2 पीसेस 10 बाय 10 इंचेस के स्लीव में से कट किए थे इससे हमारी साइड्स बनेंगी। ये जो हमने 10 बाय 16 इंच का साइड से कट किया था इससे हमारा बेस बनेगा। और ये जो हमने, ये जो 2 पीसेज हमने 14 इंच बाय 16 इंच के कट किए थे मेन शर्ट फैब्रिक में से, इसे फ्रंट और हमारी बैक बनेगी। तो ये सारे पीसेज हमारे हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हम पहले इन्हें क्विल्ट करके रेडी कर लेते हैं। तो क्विल्ट करने के लिए इसके बीच में मैं इंसर्ट कर रही हूँ इस तरीके से, जो पतले वाला फॉर्म होता है ये फॉर्म शीट यूज कर रही है। अगर आपके पास फॉर्म शीट नहीं है, रबड़ शीट भी नहीं है, तो इस तरीके से जो प्लास्टिक वाला राइस बैग होता है वो भी यूज कर सकते हैं। तो एक शीट हमें इसकी इंसर्ट करनी है, उसके ऊपर ये मेन फैब्रिक रखना है इस तरीके से रखते हुए, सिलाई लगा के इसे क्विल्ट कर लीजिए। सेम इसी तरीके से ये 2 पीसेस और ये सारे क्विल्ट करके रेडी कर लीजिए। तरीके से क्विल्ट होके मेरे पास रेडी हो गया। ऐसे ही सारे पीसेस रेडी कर लिए क्विल्ट करके। ये 2 जो 10 बाय 10 इंचेस के स्लीव में से कट किए थे वो, ये जो बेस के लिए कट किया था वो, ये एक फ्रंट और एक बैक साइड, सारे हमारे क्विल्टेड पीस रेडी हो गए। अब हम इन्हें ज्वाइन करके बैग बनाएंगे। उससे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास इस तरीके से यहाँ से पीछे की तरफ बचा हुआ कपड़ा है, यहाँ से हम स्ट्रैप के लिए कटिंग कर ले। इसमें जोड़ लिए, तो इस तरीके से जोड़ने के बाद देखिए काफी लंबी सी पट्टी बन गई। अब हम इसको फोल्ड करके पहले स्ट्रैप बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसे फोल्ड कर लेंगे, 1 फोल्ड 2 फोल्ड और एक और फोल्ड, इस तरीके से फोल्ड करते हुए पूरा लंबाई में हम सिलाई लगा लेंगे। तरीके से ये 16 इंच वाली साइड है हमारी, उस साइड पे हमने ऊपर की तरफ इस पे निशान लगाए हैं। अब स्ट्रैप को रखना है यहाँ पे, एक स्ट्रैप को यहाँ पे रखना है,
यहाँ से लेके इस निशान से घुमाते हुए यहाँ तक सिलाई लगानी है और फिर इसे दूसरे एंड को रखना है यहाँ पे इस तरीके से। ये रख दिया, यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक इस पे सिलाई लगा के ये मैंने स्ट्रैप लगा ली, एक इस पे एक इस पे, जो निशान लगाए थे उसी निशान के ऊपर इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये एक स्ट्रैप हमारी इस पे लग गई, एक इस पे लग गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों पीसेस के, ये पीस ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, यहाँ पे बीच में हम जिपर इंसर्ट करेंगे ऊपर की तरफ। तो सेम 16 इंच की मैंने जिपर ली है, 16 इंच की जिप है, और जिप को फिनिश करने के लिए इस तरीके से कपड़े के दो लाइनिंग वाले पीसेस लिए हैं मैंने, ये भी हमें इसके बराबर लेने हैं, और इसकी विड्थ मैंने लिया अप्रॉक्सीमेट 2 इंच। तो एक पीस हमारा इसके साथ लगेगा, एक इसके साथ। जिप को मैं अलग कर लेती हूँ, रनर हम बाद में डालेंगे। जिप का एक पीस इसके साथ और एक इसके साथ। ज्वाइन कैसे करना है, इसे यहाँ पे रखिए, जिप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है आपको इस तरीके से, और इस वाले कॉर्नर पे यहाँ पे रखना है, और इसके ऊपर रखनी है ये वाली पट्टी, ये जो हमने कटिंग की है। तीनों पीसेस इस तरीके से रखने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा कर लेते हैं। यहाँ स्ट्रैप लगी हुई थी, यहाँ जैसे मैंने आपको जिप बताया, सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है, इसके ऊपर इस तरीके से ये शर्ट जो हमने पीस कट किया है ये रखना है, इसलिए पूरे पे हम सिलाई लगाएंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली, अब इसे अंदर की तरफ को पलट देना है इस तरीके से। तो देखिए हमारी जिप इंसर्ट हो गई इसमें, यहाँ पे टॉप स्टिच लगा। ये टॉप स्टिच लगा लिया, अब इसे अंदर की तरफ को फोल्ड कर दीजिए, और यहाँ से इस कपड़े को, ये जो हमने पट्टी सी ली थी, फोल्ड करते हुए इस तरीके से पूरा लंबाई में हम इस पे सिलाई लगा लें। ये देखिए, तो जिप का एक पीस हमारा देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसके साथ अटैच हो गया। जैसे इसे अटैच किया ऐसे ही दूसरा पीस भी कर दिया, ऐसे ही ये जो दूसरे वाला है इसे भी हम रेडी कर लिए। जैसे जिप इसमें अटैच की थी वैसे ही मैंने दूसरे वाले पीस पे भी कर ली जिसपे हमने स्ट्रैप लगाई हुई थी। तो यहाँ दोनों तरफ हमारी स्ट्रैप आ गई, ये 16 इंच वाली साइड पे हमारी 16 इंच की जिपर आ गई। अब हमें क्या करना है, इसमें रनर डालना है। तो एक रनर यहाँ से और एक रनर यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए। और अगर आपको रनर इंसर्ट करना नहीं आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है रनर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, आप उस लिंक में देख सकते हैं। तो मैंने रनर इंसर्ट कर लिया, एक रनर इस तरफ से, एक रनर इस तरफ से। तो रनर हमारा इंसर्ट हो गया, अब 2 मिनट हम इसे साइड पे रखते हैं, ये हमारा फ्रंट बैक के लिए रेडी हो गया है। और इस तरीके से जो दो पीसेस लिए थे हमने 10x10 इंचेस के जो दो पीसेस लिए थे स्टार्टिंग में क्विल्टिंग के लिए, इसमें हम जिप लगाएंगे। तो दो ये पीसेस हो गए, दो हमें जिप चाहिए इस पे लगाने। तो इस साइज की 1 और 2, 10 इंच की 2 मैंने जिप ली हैं इसमें लगाने के लिए, और 2 इसके अंदर पॉकेट बनाने के लिए हमें लाइनिंग चाहिए। तो सेम साइज की 10x10 इंचेस की लाइनिंग मैंने इसके लिए ली है, 10x10 इंचेस की लाइनिंग इसके लिए ली है। तो दोनों पॉकेट्स हमें तैयार करनी है। एक पॉकेट में बता देती हूँ, जैसे एक पॉकेट में जिप लगानी है वैसे ही दूसरे में भी लगानी है। जिप लेनी है, जिप की सीधी तरफ रखनी है अंदर की तरफ, यहाँ पे रखते हुए यहाँ पे इस पे सिलाई लगानी। ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली देखिए इस तरीके से। अब इसे पलटते हुए यहाँ पे ऊपर की तरफ टॉप स्टिच लगा, मैंने टॉप स्टिच लगा लिया। तो एक तरफ से जिप अटैच होगी, अब ये जो बीच में से पीस कट किया था इसे रखना है जिप को इस तरीके से यहाँ पे इसके ऊपर, ये मैंने रख लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा। तो जो हमने बीच में कट किया था उसके बीच में इस तरीके से हमने जिप को इंसर्ट कर दिया। अब लाइनिंग वाला पीस लेना है, ये रखना है यहाँ पे, लाइनिंग वाले पीस को रखिए इसके ऊपर इस तरीके से, इसके चारों तरफ सिलाई लगा। तो ये हमारी रेडी होगी, जैसे ये रेडी किया है ऐसे ही ये वाला पीस भी जिप के साथ यहाँ से कट करके जिप को इंसर्ट करके लाइनिंग लगा के सेम इसी तरीके से इसे भी रेडी कर लिया। इसमें लगाई थी वैसे ही मैंने दूसरे पे भी लगा दी। तो ये 10x10 इंचेस वाले दोनों पीसेस जिप के साथ हमारे देखिए पॉकेट के साथ बिल्कुल रेडी हो गए। अब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर की इस तरफ से हम इसे हल्की सी गोलाई दे देंगे। ये जो हमने
स्ट्रैप के साथ और जिप के साथ रेडी किया था, इस पे हमें ज्वाइन करना है। एक पीस हमें इस तरफ करना है, यहाँ पे हमारा ज्वाइन होगा इस तरीके से, पूरे पे सिलाई लगेगी, और एक पीस हमारा इस तरफ दूसरी तरफ ज्वाइन होगा। तो एक पीस बताती हूँ मैं आपको कैसे करना है। इसका सेंटर पॉइंट हमारा जिप है, इसका हमें सेंटर पॉइंट ले लेना है। ये मैंने सेंटर पॉइंट पे कट लगा लिया। अब सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाना है इस तरीके से, और गोल घुमाते हुए हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है। ज्वाइन कर लिया, यहाँ से लेके पूरा हमारा इस पे सिलाई लग गई, ये इस तरीके से। ये हमारा साइड वाला पीस इस तरीके से ज्वाइन हो गया। जैसे ये पीस ज्वाइन किया है, ऐसे ही हमें इस तरफ ज्वाइन करना है। यहाँ पे इस तरफ हम दूसरे वाला पीस ज्वाइन करेंगे, इसे हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, यहाँ से सेंटर लेते हुए इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन करेंगे। सेम इसी तरीके से जैसे ये ज्वाइन किया है, इसका सेंटर पॉइंट लेके इसे भी यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। पीस इस तरफ ज्वाइन हो गया, देखिए जो 10x10 inches वाला था, जहाँ हमने जिप लगाई थी बीच में, और एक पीस हमारा इस तरफ ज्वाइन हो गया। तो इस तरीके से देखिए ज्वाइन हो गया, यहाँ नीचे की तरफ हमारा रह गया। यहाँ पे हम एक जो हमारे पास पीस पड़ा है वो हम बाद में ज्वाइन करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ये जो रफ एजेस है इसे हम फिनिश कर लेंगे। तो फिनिश करने के लिए देखिए इसी तरीके से लाइनिंग वाले कपड़े की मैंने पट्टी ली है, इस तरीके से सिंपल स्ट्रेट पट्टी है, बायस लेने की जरूरत नहीं है आपको। इस तरीके से रखते हुए हाफ नीचे की तरफ हाफ ऊपर की तरफ इस तरीके से रखते हैं, पूरे रफ एजेस फिनिश कर लीजिए। रफ एजेस को सिंपल पट्टी से मैंने फिनिश कर दिया। तो इस तरीके से देखिए हमारा फिनिश हो गया। यहाँ ऊपर की तरफ जिपर है, साइड वाले पीसेज हमारे यहाँ लग गए, दो जो पीसेज हमने लगाए थे वो यहाँ लग गए। अभी हमारा एक पीस बचा है, ये जो हमने 16 inch by 10 inch लिया था, ये हमारा बेस पे लगेगा यहाँ पे, इस तरीके से अंदर रखते हुए ये पीस हमारा यहाँ पे पूरा लगेगा। तो यहाँ एक तरफ से इसे हम रखते हुए इस तरीके से रखेंगे, ये देखिए ये मैंने रख लिया, और इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए। कहीं से भी सिलाई शुरू कर लीजिए, यहाँ से देखिए साइड से इसे इस तरीके से रखते हुए, ये हमने इसके बराबर लिया था, ये देखिए यहाँ से सिलाई शुरू करते हुए, फिर इसे यहाँ से टर्न करते हुए इस तरीके से, फिर टर्न करते हुए पूरे पे सिलाई लगा लीजिए। सिलाई लगाना शुरू किया था, पूरा सिलाई लगाते हुए पूरे पे हमने सिलाई लगा ली। अब हमें क्या करना है, यहाँ से पूरे एक सिंपल स्ट्रेट पट्टी से हम इसे जैसे ये रफ एजेस फिनिश किए हैं, ऐसे इन रफ एजेस को भी फिनिश कर लीजिए। ये नीचे की तरफ एक सिंपल पट्टी लगा के मैंने नीचे से फिनिश कर लिया। तो जो 16x10 inch का पीस लिया था वो हमारा नीचे लग गया, जो दो हमने 10x10 inches के पीसेज लिए थे, एक हमारा यहाँ लग गया, एक हमारा यहाँ लग गया, और जो दो पीसेज हमने सेम लिए थे यहाँ पे इस तरीके से 14x16 inch के, वो एक पीस हमारा यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया। तो इस तरीके से देखिए अंदर से बिल्कुल प्रॉपरली फिनिश्ड है, कहीं से भी आपको रफ एजेस नहीं दिखेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जिप वाले पोर्शन की तरफ से यहाँ से हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ ये मैंने इसे सीधा कर लिया। तो ये देखिए ये हमारी इस तरीके से इसकी साइड आ गई, काफ़ी वाइड और काफ़ी अच्छी साइड है। इस तरीके से ये वाला पीस हमारा देखिए बॉटम पे आ गया था, ये हमारा बॉटम आ गया, साइड्स आ गई। यहाँ पे हमारी साइड में देखिए इस तरीके से, ये देखिए साइड में पॉकेट आ गई, एक पॉकेट हमारी इस साइड पे आ गई और एक पॉकेट हमारी इस साइड पे आ गई। देखिए दो बड़ी पॉकेट आ गई हमारी साइड पे इस तरीके से, और यहाँ पे देखिए अंदर से
काफी ज्यादा स्पेस, काफी अच्छे साइज का बना है। देखिए काफी ज्यादा स्पेस है इसमें, प्रॉपर फिनिश, कहीं से भी कोई रफ एजेस नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा बैग बिल्कुल रेडी हो गया। मैं आपको कपड़े डाल के दिखा देती हूँ इसमें। ये देखिए ये मैंने इसके अंदर कपड़े डाल लिए। तो कपड़े डालने के बाद देखिए इस तरीके से कुछ इसका लुक आएगा। देखिए काफी अच्छे बड़े साइज में बना है। देखिए इस तरीके से साइड्स, ये हमारा देखिए काफी अच्छा इसका बॉटम बना है। देखिए काफी वाइड बॉटम है। साइड्स भी देखिए, साइड से काफी अच्छा साइड बनी है। दो पॉकेट्स बन गई हैं हमारी इसमें, यहाँ और यहाँ। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से देखिए एक शर्ट पीस से हमने इसे बना लिया है। ये देखिए इस तरीके से, तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही यूजफुल है। बहुत सारे कपड़े आने वाले हैं आपके इस तरीके से इसमें। तो देखिए बिल्कुल रेडी टू यूज है, बिल्कुल रेडी हो गया। बनाने में बहुत ही आसान, टू पॉकेट्स के साथ ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी टू